गौतम बुद्ध नगर का होमगार्ड फर्जी ड्यूटी घोटाला जो बहुत ज्यादा चर्चित है आजकल, इस पर गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ पूरे सबूत हैं। गुजरात से आई फॉरेंसिक टीम ने इसकी जांच की है। उन्होंने कहा कि आग लगाने की घटना को जल्दी खोल दिया जाएगा। वेतन आरोप किया जा रहा है होमगार्ड, इसकी जांच कराई गई। एसपी सिटी साहब से इसकी मैंने जांच कराई तो वास्तव में पाया गया कि 2 महीने की जांच में इसमें 7 थानों का ही मात्र इतना ही डेटा लिया गया था। उसी में ये पाया गया कि जितनी सैलरी आ रही थी 2 महीने में उसके करीब करीब 50% सैलरी इन फर्जी मस्टर रूल्स के बेसिस पे थी। इस पूरे प्रकरण में FIR दर्ज कराई गई थी और इसमें FIR में हम लोगों ने पूर्व के दिनों का मस्टर रोल्स हम लोगों ने लिए हैं। 1 जनवरी 2019 से लेके सभी थानों के मस्टर रोल्स हम लोगों ने प्रदर्शन में लिए थे। कुछ ऐसे कार्यालय हैं जैसे ट्रैफिक ऑफिस है और कई ऑफिस है, इनका हम लोगों ने 2017 से लेके अभी तक के मस्टर रोल्स लिए हैं और उनके मिलान की कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। 5 इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से यहाँ पे पहले तैनात डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड जो भी मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड है अलीगढ़ वो भी शामिल है। एक A2DC जो है होमगार्ड वो शामिल है और 3 अवैतनिक प्लाटून कमांडर जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इसी बीच घटनाक्रम में इस तरीके का भी हुआ कि कल 19 तारीख को सुबह सूचना पुलिस को मिली थी कि होमगार्ड जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय में आग लगी है। मौके पर जाके देखा गया तो उसी बक्से में आग लगी थी जिसमें ये मस्टर रोल्स रखे गए थे 2014 से लेके और अभी तक के मस्टर रोल्स जिस बक्से में रखे गए थे उसी में केवल आग लगी थी। उस कमरे का ताला तोड़ा गया था, बक्से के दोनों ताले तोड़े गए थे, उसमें 2 अलमारियां थी, उन अलमारियों में से 1 अलमारी का ताला तोड़ा गया था, उसकी अलमारी का टूटा था जिसमें मस्टर रोल थे। वो घटना एक आपराधिक घटना है जिसमें कि साक्ष्य को निकालने के उद्देश्य से वो अपराध किया गया है, उसमें एक अलग से FIR पंजीकृत की गई है। गुजरात से फॉरेंसिक साइंस की टीम हम लोगों ने बुलाई है क्योंकि उस संबंध में साक्ष्य एकत्रित हम लोग कर रहे हैं और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये 5 अभियुक्त जो हैं जो होमगार्ड्स में सैलरी में अनियमितताएं जो की गई, जो घोटाला किया गया उस संबंध में हुई है। जो आग किन परिस्थितियों में लगी, किसने लगाई, कौन उसका दोषी है और क्या उसका उद्देश्य था, उस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन अभियुक्तों से भी उस संबंध में पूछताछ की जा रही है, उस घटना का भी शीघ्र अनावरण किया जाएगा। ये जो अभियुक्त हैं इन लोगों ने पूरा मोडस ऑपरेंडी अपना बताया है किस तरीके से ये अपराध कारित करते थे। 2 तरीके से मेनली जो वेतन आहरण है उसमें अनियमितताएँ होती थी। एक तो ये होता था कि संख्या उसकी बढ़ा दी जाती थी, होमगार्ड से संख्या बढ़ा दी जाती थी कि जैसे जो होमगार्ड्स आए हैं उसके अतिरिक्त उठा दिए जाते थे और जो अतिरिक्त होमगार्ड होते थे उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाता था, उस पैसे को आहरित करके बहुत कोई नॉमिनल छोटा मोटा अमाउंट उस होमगार्ड को दे देते थे और बाकी ये सारा पैसा अभियुक्तों के पास ये लोग ले लेते थे। दूसरा तरीका ये था कि जो मैन डेज है, जैसे किसी ने 1 महीने में सपोज करिए 10 दिन ड्यूटी पे आया और 4 होमगार्ड्स मान लीजिए 10 दिन ड्यूटी पे आए तो उसकी संख्या जो है बढ़ा के 20 दिन की सैलरी मिली तो कितने कार्य दिवस उसने काम किया उसे बढ़ा के फर्जी तरीके से हो जाता था। उसमें 50% जो पैसा था वो जिला कमांडेंट होमगार्ड हो जाता था और बाकी 25% जो A2DC है उसके पास जाता था, बाकी का 25% जो अवैतनिक प्लेटून कमांडर उसे आरित करता था उसके पास जाता था।